शिक्षा बोर्ड कर्मचारी ने भिवानी में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मौजूद थे। कर्मचारियों का कहना था कि बोर्ड प्रशासन ने एस्टेट की परीक्षाओं में भारी घपला किया है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कर्मचारियों में इस दौरान बोर्ड की मेन गेट को धक्का मारकर खोल दिया, जबकि वह धारा 144 लागू थी। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा बाद में उन्होंने कहा कि अगर इस मामले की जाँच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर देंगे। वही बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वे हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। ये क्वेश्चन बहुत आगे का है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कुछ जिंदा होगा, मीडिया कुछ जिंदा होगा। ये केवल हमारी ड्यूटी है, आगे क्या करेंगे, आगे मीडिया क्या करेगा, हम ये भी पूछना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ कभी भी किसी भी मुद्दे को बीच में छोड़कर मैदान से हटा नहीं है। रास्ते भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत है, आगे फैसला करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।